नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का विषय है नोशनल इंक्रीमेंट। मेरे हाथों में कुछ लेटर्स हैं दोस्तों, पेंशन मंत्रालय के लेटर्स हैं, एफटी के आदेश हैं और भी कुछ लेटर्स वगैरह हैं। इन सभी लेटर्स को मान्य कोर्ट के जजमेंट्स को आपको दिखा के समझाऊंगा दोस्तों कि नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर एक बड़ी जानकारी आई है। जी हाँ, सरकार की तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट को हरी झंडी मिल सकती है बहुत जल्द। इसकी जानकारी लिखित में सामने आई है जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। और नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से पेंशनर्स के पेंशन में 500 से लेकर 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है और लगभग लाखों की संख्या में पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट के वजह से फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए आगे जानेंगे दोस्तों कि नोशनल इंक्रीमेंट है क्या और किन को लागू है, किस तरीके से लागू होगा और क्या जानकारी सामने आई है जो नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग जैसे आप देख रहे हैं, नोशनल इंक्रीमेंट पर कभी भी आ सकती है बड़ी खबर, पेंशन में उछाल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है, भारत सरकार से 15 दिसंबर 2023 को हुई है मीटिंग जिसमें पेंशन मंत्रालय से मिली ये बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन मंत्रालय के एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा एडवांस स्टेज ऑफ कंसीडरेशन में है, यानी कि अब कभी भी नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर भारत सरकार की तरफ से कुछ भी बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। चलिए ये जो लेटर है मैं आपको दिखाता हूं कहां से मैं ये जानकारी आप सबके सामने लाया हूं, उस लेटर को देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर देख पा रहे हैं जो कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से जारी किया गया 17 दिसंबर 2023 का लेटर। अब इस लेटर में ये जिक्र किया गया है दोस्तों कि पेंशन मंत्रालय के साथ 15 दिसंबर 2023 को मीटिंग हुई थी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की। अब इस मीटिंग में जिन बातों को डिस्कस किया गया है, जिन बातों के ऊपर कुछ बातों के ऊपर सहमतियां बनी है, कुछ के ऊपर नहीं बनी है, उसके बारे में इस लेटर में ब्यौरा दिया गया है। अब दोस्तों आगे कई सारे विषयों पर डिस्कशन हुआ है, देखिए डिसीजन पॉइंट के वाइज यहां पर है जो कि 11 नंबर जो पॉइंट है वो नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ है जैसे आप ये देख पा रहे हैं। अब ये जो ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन जो हुआ है उसका डिसीजन क्या निकला है उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्टाफ साइड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनड्यू डिले इन द डिसाइडिंग दिस इश्यू डिस्पाइट मेनी जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड वी डिमांड दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर शुड बी इश्यूड। यानी कि स्टाफ साइड की तरफ से जोरदार तरीके से इस बात का विरोध किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई सारे आदेश दिए जाने पर भी सरकार इस विषय को इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में देरी कर रही है। तो एडिशनल सेक्रेटरी ने क्या कहा, पेंशन मंत्रालय के जो एडिशनल सेक्रेटरी है उन्होंने कहा, स्टेटेड दैट द इशू इज इन एन एडवांस स्टेज, यानी कि ये विषय जो है एडवांस स्टेज में है, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, ऑफ कंसिडरेशन एंड द डीओपीटी वुड टेक अ डिसीजन इन दिस रिगार्ड वेरी सून। यानी कि ये जो इशू है इन एन एडवांस स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन कंसिडर किए जाने के एडवांस स्टेज में है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो कि पेंशन मंत्रालय का एक विभाग है वो बहुत जल्द इस मुद्दे के ऊपर एक डिसीजन लेने जा रहा है। यानी कि दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय एफटीज की तरफ से ऑलरेडी ये डिसीजन मिल चुका है, ये जजमेंट दिया जा चुका है कई सारे केसेस में कि पेंशनर्स को एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, उनको पेंशन में एक नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो है अभी ये जो विषय है एडवांस स्टेज में है, कंसिडरेशन के एडवांस स्टेज में है, तो आने वाले समय में बहुत जल्द कुछ ना कुछ इसका जो है गुड न्यूज, कुछ ना कुछ अच्छी खबर इसके ऊपर देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है सरकार की तरफ से, पेंशन मंत्रालय की तरफ से, जो बात इस सेंटेंस से, इस जो है पैराग्राफ से निकल के सामने आती है दोस्तों। तो दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर स्टाफ साइड की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पेंशन मंत्रालय के जो एडिशनल सचिव है उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार अब एडवांस स्टेज में है, कभी भी नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर बड़ा ऐलान हो सकता है। चलिए उसके ऊपर अगला पॉइंट, नोशनल में पहले ही एएफटी, हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है फैसला, अब सरकार की बारी। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के माननीय एएफटीज ने कई सारे आदेश दिए हैं, कई सारे हाई कोर्ट्स के भी आदेश हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। अब सरकार के पाले में गेंद है और सरकार की बारी है, जिससे अभी पेंशन मंत्रालय के एडिशनल सचिव की तरफ से दिए गए उस जानकारी से सरकार भी इसमें एडवांस स्टेज में है, यह जानकारी सामने आती है।
अगला पॉइंट दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट सिपाही से लेकर जनरल को है लागू और फैमिली पेंशनर्स को भी होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट जो है वो एक सिपाही से लेकर जनरल साहब तक को लागू है और फैमिली पेंशनर्स को भी उसका फायदा मिल सकता है। और किन किन पेंशनर्स को लागू है आगे मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, पेंशन में लगभग 500 से लेकर 1500 तक की हो सकती है बढ़ोतरी। जी हाँ, एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है तो एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिस वजह से पेंशन में उसका आधे का फायदा होगा। आप मान लीजिए अगर इंक्रीमेंट 1200 रुपए का हो तो पेंशन में 600 रुपए का उछाल होगा। तो इस तरीके से 500 से लेके लगभग मैं बोल रहा हूं 1500 रुपए तक का एक एक पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या एरियर भी मिलेगा, क्या है आदेश। माननीय कोर्ट का आपको आदेश दिखाता हूं कि नोशनल इंक्रीमेंट अगर लागू कर दिया जाता है तो क्या एरियर भी मिलेगा, क्या पुराना बकाया भी मिलेगा क्या, उसके बारे में माननीय कोर्ट का आदेश में क्या लिखा हुआ है उसको पहले समझते हैं, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ ये माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये रिसेंट आदेश है, अभी अक्टूबर 2023 का आदेश है। आगे मैं आपको इस आदेश का जो फाइनल जजमेंट का जो लाइन है वो समझा देता हूं, जिससे आपको पता चले कि ये जो आदेश नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर माननीय कोर्टों द्वारा दिया जा रहा है किस पर्पज से, यानी कि क्या पुराना अगर नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो एरियर भी मिलेगा या बहुत सारा जो पुराना बकाए में भी फायदा होगा, इस बात को कहीं ना कहीं इस आदेश से क्लियर होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि जो फाइनल जजमेंट का लाइन है जिसमें माननीय कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया वो क्या बोलता है। अब ये वाला जो 9 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज अलाउड, द इम्पोज ऑर्डर पास्ड बाय द रेस्पोंडेंट इज सेट असाइड। और आगे मान्य कोर्ट ने क्या कहा है ये देखिए, जो 6 नंबर पेज है उसमें क्या कहा है, फॉर द पर्पज ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज, यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट जो दिया जाए वो पेंशन में बढ़ोतरी के लिए दिया जाए, कोई पुराना एरियर बकाया वगैरह नहीं मिलेगा इसमें, तो पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगा इसमें, यानी कि हर महीने जो आपको पेंशन मिलता है उसमें बढ़ोतरी होगी, कोई एरियर वगैरह इसमें मिलने का इस तरीके से माननीय कोर्ट ने कहीं भी जजमेंट में नहीं कहा है। तो आप सब ने देखा दोस्तों कि माननीय कोर्ट का जो आदेश है, जो जजमेंट है, जो जजमेंट का लाइन है, वहां पुराना एरियर के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि आपका जो मंथली पेंशन है पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन जो है आपको कोई पुराना बकाया पुराना एरियर मिलेगा ऐसा कुछ भी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। अगली जानकारी दोस्तों, किन पेंशनर्स को है लागू, किन किन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट है लागू, इसके ऊपर मैं सबसे पहले भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का लेटर आपको दिखाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि किन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। तो चलिए भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का लेटर को देख लेते हैं। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का ये पिछला लेटर है, जो जिसके बाद और कोई क्लारिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। और अभी जब पेंशन मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने यह बात कही है कि सरकार एडवांस स्टेज में है, तो उससे पहले सरकार की तरफ से क्या बात कही गई थी ये देखिए, 22 नवंबर 2022 को नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी, देखिए, इन द वेक ऑफ द रिसेंट ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस इन्वॉल्विंग क्लेम्स फॉर ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1st जनवरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज having their date of retirement on 30 June, 31 December respectively, in the subject matter is under examination in consultation with the nodal ministries departments concerned. यानी कि सरकार ने नवंबर 2022 में पेंशन मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी थी दोस्तों कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा है बाकी मंत्रालयों और बाकी जो विभाग है उनके साथ कंसल्टेशन में है, उनके साथ बातचीत हो रही है नोशनल इंक्रीमेंट देने को लेकर के। तो ये था नवंबर 2022 का सरकार का स्टैंड, लेकिन अभी जो दिसंबर 2023 में जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि इस विषय के ऊपर अभी मुद्दा एडवांस स्टेज पर है कंसीडरेशन करने के। तो दोस्तों, आप सबने अभी देखा कि इस भारत सरकार के लेटर से भी एक बात क्लियर हो जाता है कि नोशनल इंक्रीमेंट लागू किसको है। आप अगर 30 जून के रिटायरी हैं, चाहे आप कभी कभी 2014 के 30 जून के रिटायरी हैं, 2017 के 30 जून के रिटायरी हैं, तो आपको जो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलना होता है, क्योंकि साल में एक बार जो इंक्रीमेंट लगता है वो 1 जुलाई को लगता है, तो वो इंक्रीमेंट आपको नहीं मिला होता है पेंशन आते टाइम, तो वो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट के आदेश अगर आ जाता है तो। अभी कई सारे कोर्टों का आदेश है उसके बेस पर उनको मिल रहा है जो कोर्ट केस कर रहे हैं, लेकिन सभी को नहीं मिल रहा है। तो ये जो भारत सरकार का ये जो अगर डिसीजन आ जाता है सभी उन पेंशनर को मिलेगा जो 30 जून के रिटायरी है और 1 जुलाई का उनका इंक्रीमेंट ड्यू था, उसको लेने से पहले ही वो एक दिन पहले रिटायर हो गए, या तो फिर
उनको मिलेगा जिनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को जो है ड्यू था और 31 दिसंबर को वो रिटायर हो गए। ऐसे अमूमन 7th पे कमीशन के बाद के पेंशनर हैं जिनको 1 जनवरी का ड्यू होता था जो है इंक्रीमेंट, लेकिन वो 31 दिसंबर को अगर रिटायर हो गए तो उनको भी ये इंक्रीमेंट लागू है। तो दोस्तों 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरी हैं जिनका अगला एक दिन बाद जो है इंक्रीमेंट लागू था, तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा जब सरकार से ये डिसीजन निकल के आता है। तो आज के इस वीडियो में नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।